नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कैराना सियासी दलों के गले की फांस बन गया है। गोरखपुर फूलपुर उपचुनाव में मिली सफलता के बाद विपक्ष आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब तक एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई जनसभा वहां पर नहीं की है। मायावती की ओर से अपील जारी हुई है, जैसा कि पिछले दो उपचुनावों में हम देख चुके हैं। बीजेपी इस बार बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। सीएम की रैली से लेकर बूथ स्तर पर बीजेपी अपना नेटवर्क फिर से एक बार सक्रिय कर चुकी है। कैराना 2017 से पहले एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया था, जिसका फायदा बीजेपी को तब मिला था, लेकिन अब ये फायदा विपक्ष उठाना चाह रहा है, क्योंकि कैराना की जीत हार को 2019 के आम लोकसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जाएगा। और इसी पर हम करेंगे आज चर्चा मिड डे वॉइस में। और बीजेपी से हम इस पर जवाब ले लेते हैं। संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी आक्रामक है इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और फिर से एक बार बूथ लेवल से बिल्कुल नीचे से कार्रवाई को शुरू किया गया है। सीएम खुद यहां पर जनसभा करने आ रहे हैं, और डोर टू डोर संपर्क से लेकर जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, इन सभी का आयोजन बीजेपी की ओर से आगे आने वाले वक्त में किया जाएगा। संजय सिंह जी, इसीलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, क्या आप कर्नाटक के कलंक को यहाँ पर धोना चाहते हैं और इसीलिए फिर से एक बार बीजेपी नीचे लेवल से सक्रिय दिखाई दे रही है? शुभ्रा जी, कर्नाटक का कलंक नहीं, कलंक तो कांग्रेस के माथे पे लगा था, जिन्होंने जो सत्ता में थे 122 सीट से घट के 78 पे आ गए, कलंक तो उनके माथे पे लगा है। हम तो 40-42 सीटों पे थे और 105-6 सीटों पे पहुंच गए, तो कलंक तो कांग्रेस के माथे पे लगा है और कांग्रेस के माथे पे यहाँ भी कलंक लगने वाला है। विरोधियों के माथे पे पूरा कलंक लगेगा कैराना और नूरपुर के अंदर। और हमारी तैयारी बूथ स्तर से हमेशा रही है, कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कर्नाटक में हम 9 सीटों पे 500 वोट के आसपास से हारे हैं, तो कहीं प्रबंधन में थोड़ी कमी हो जाती है, वोटर निकलने में दिक्कत हो जाती है। और ये खामियाजा हमने देखिए, ये विपक्ष अपनी छाती ठोंक ले गोरखपुर और फूलपुर को लेके, लेकिन हम कहीं थोड़ी कमियां रह गई, हमारा वोटर निकला नहीं और वोट परसेंटेज थोड़ा सा डाउन चला गया, उनकी भरपाई हम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात शिवराज जी, जो विपक्ष की एकता और जो आप अभी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, और इस सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार में ही आपस में कैराना में जो प्रत्याशी लड़ रही हैं, उनका देवर उनके सामने मैदान में है, जो वो परिवार ही एकजुट नहीं है, और उनके देवर जो कमर हसन साहब हैं वो कोई हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं, मजे हुए हैं, उनका भी बहुत जनाधार है, वो अपनी भाभी के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका लाभ तो मिलना ही है। और हम उनके जो कर रहे हैं उस पर नहीं, हम अपने के ऊपर हमें विश्वास है। और जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर काम कर रहा है, जो कैराना में जिस तरह से लोगों का पलायन हुआ था, जिस तरह से वसूली चल रही थी, जिस तरह से व्यापारी वर्ग आतंकित होकर कैराना छोड़ के चला गया था, योगी जी की सरकार में सबसे पहले यही हुआ है कि अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो उन्होंने पॉलिसी अख्तियार की, वहाँ के बदमाश या तो जेल चले गए या ऊपर चले गए। आज वो व्यापारी वापस लौट के आए हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, वो आए हैं। ये एक बहुत बड़े मैसेज है हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, योगी जी की सरकार की तरफ से, और हम निश्चित रूप से जीतेंगे सीट। ठीक, अजीज खान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से। अजीज खान साहब, एक तो ये कि पलायन का मसला जो लोकसभा चुनावों में जोर शोर से उठाया गया था और उसका फायदा भी बीजेपी को देखने के लिए मिला, क्या वो मसला अभी भी वहाँ पर कायम है? अगर उस हिसाब से जनता वहाँ पर वोट करती है तो जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं संजय सिंह जी, बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन और भी कई मसले हैं, और सीधा जो सवाल है वो विपक्ष की एकता से जुड़ा हुआ है। मैंने सवाल पूछा कर्नाटक पर, संजय सिंह जी ने उसे जोड़ दिया फूलपुर और गोरखपुर से भी, क्योंकि जाहिर है पिछली बार जो रिजल्ट आए थे
वो सबकी नजर में है, वो विपक्ष की नजर में भी है, वो बीजेपी की नजर में भी है। आप लोग इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि प्रभावी रहने वाले हैं विपक्ष के लिए? देखिए सुब्रा जी, अभी संजय जी जिस बात को कह रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे और आपने सवाल भी इस पे मेरे ख्याल से उठाया। जी, जी। मैं पहली बात तो क्लियर ही कर दूं कि लोकसभा का जो चुनाव था 2014 में, तो हुकुम सिंह जी ने इस बात को बहुत बढ़ चढ़ कर इसको पेश करने का प्रयास किया। और हुआ क्या, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, एक फहरिस्त बनाई और उन्होंने उसमें ये लिखा, तमाम लोगों की लिस्ट में नाम डाला कि ये लोग पलायन कर गए और इसी तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने जनता के सामने रखा। लेकिन ईमानदारी की बात ये हुई कि कुछ दिनों के बाद वही जनता ने उस लिस्ट को नकार दिया और ये जो भी लोग जहां पर थे ऑलरेडी वो मौजूद थे उसको गलत साबित जनता। आप संजय जी, आप पूरी बात सुन, मैं आ रही हूं संजय जी आपके पास, आपको बात रख ले। जनता ने नकार दिया और ये बात बीजेपी ने भी एडमिट किया कि लोग पलायन नहीं किए थे, ये फर्जी लिस्ट है और ये फर्जी लिस्ट को हुकुम सिंह जी ने पेश किया है। मैं बीजेपी से, मेरा एक सवाल ये है कि अगर ये पलायन की बात करते रहे हैं और इन्होंने ये कहा कि पलायन करके चले गए, तो 4 साल से इनकी गवर्नमेंट है केंद्र में और 1 साल से ज्यादा हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश में, जो लोग पलायन हुए उनको क्या रोजी रोटी दिया? वो आज भी वहां भुखमरी के कगार पे है, लोग परेशान है, हैरान है। वहां पर किसान की सबसे बड़ी समस्या है, आज 11,000 करोड़ रुपया पूरा किसान का उत्तर प्रदेश में बकाया है। वहां पर विकास की बात नहीं हो रही है, वहां रोजगार की बात नहीं हो रही है, वहां सड़क सुरक्षा पानी की बात नहीं हो रही है। आज अगर वहां बात हो रही है तो किस चीज की बात हो रही है? इनके नेता बयान देते हैं, इनके नेता क्या बयान देते हैं कि अगर यहां पर बीजेपी चुनाव नहीं जीती तो पाकिस्तान पर में दिवाली मनाई जाएगी। इनके नेता बयान देते गलत हैं। ये नहीं नहीं, आपके आप मैं बताऊं, मनोज कश्यप जी ने बयान दिया, मनोज कश्यप जी ने बयान दिया। मैं आपको बताऊं, इस तरीके का बयान दे करके वहां पर ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैराना को कराची तक ले जा रहे हैं और कैराना को कराची तक ले जा करके कराची से चुनाव जीतना चाहते हैं। ये उसको पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान करना चाहते हैं। इस तरीके से इनके दूसरे मंत्री जो धर्म सिंह सैनी साहब है, उन्होंने बयान दिया कि अगर बीजेपी कैराना का चुनाव नहीं जीतती है तो इस इनके जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में चूड़ी पहन ले। मुझे लगता है, अजीज खान साहब, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने इस पूरे अपने उद्बोधन में रखी है वो है किसानों की बात, वो है रोजगार की बात। और आपने ये बीजेपी से सवाल पूछा है और इसी सवाल को लेकर मैं संजय सिंह जी के पास जाती हूँ कि संजय सिंह जी, जब मैंने भी इस डिबेट की शुरुआत की, आपने सीधे तौर पर कहा कि पलायन का जो मामला है वो अभी भी लोगों के जहन में है और लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम मसले आपने उठाए और कहा कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्यों आप लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं सर? क्यों आप लोग गन्ना किसानों की बात नहीं करते हैं? सुरेश राणा जी से बार बार सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं कि देखिए इतना बकाया था, इतना चुकता हुआ है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 11,000 करोड़ जिसकी बात कर रहे हैं अजीज खान साहब, आखिर ये मामला आप क्यों नहीं उठाते हैं? अजीत सिंह जब भाषण देते हैं वहां पर, वो भी यही सवाल खड़ा करते हैं कि देखिए बीजेपी को वोट दिया गया लोकसभा चुनावों में, आज गन्ना किसानों की क्या हालत है? अगर ये मैसेज चला जाता है जनता में तो क्या आप लोगों के लिए भारी नहीं पड़ जाएगा? नहीं शुभ्रा जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माननीय योगी जी की सरकार इन चीज़ों को लेकर बहुत संवेदनशील है। कहीं थोड़ा गन्ना पेमेंट को लेकर मिलों की तरफ से दिक्कत आ रही है, उस संवेदनशीलता और दिक्कतों को देखते हुए कल ही माननीय योगी जी ने 214 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं कि भाई किसानों को पेमेंट करिए। तो ये हमारी किसानों के प्रति संवेदनशीलता है, उनका पूरा हितों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। भाई इसी के लिए हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था। जहाँ तक हमारे अजीज भाई साहब बोल रहे हैं कि ये हुकुम सिंह जी ने, इनको अच्छे से याद होना चाहिए, ये लोकसभा का मुद्दा नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव के बाद, ये जब वहाँ आपकी ही सरकार थी, जो समाजवादियों की सरकार थी, उस समय ये जो शुरू हुआ था। अब हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रह गए हैं, उन्हीं के परिवार से जो चुनाव लड़ रही हैं वहीं से वसूली की जाती थी, वहीं से फिरौती मांगी जाती थी, हफ्ता वसूला जाता था। और ये लोग, इसलिए व्यापारी वर्ग वहाँ से पलायन करके चला गया था। ये तो क्यों ऐसा होता है संजय सिंह जी कि चुनाव के एन पहले अक्सर इस तरह के मामले उठते हैं, उसके बाद ये मामले कहीं गायब हो जाते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तब ये मामले नहीं, 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 न
क्या नहीं होते हैं, क्या इससे सिर्फ सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं शुभ्रा जी, ये चुनाव के समय मुद्दे नहीं होते हैं, ये वहां की जनता के जहन में बैठे हुए मुद्दे हैं, ये जाने वाले नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर में जो अजीज खान साहब की जो सरकार थी, जो तांडव रचा गया था, जो हत्याकांड हुआ था, जो उपद्रव हुआ था, क्या वहां की जनता भूल पाएगी? आज भी जनता के मनमानस में बैठा हुआ है। जिस तरह वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जिस तरह से वो हावी हो रही हैं, जिस तरह से वो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां का जो हमारा वोटर है वो अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या स्थिति होने वाली है अगर ये विघटनकारी ताकत अगर फिर हावी होगी। अजीज खान साहब, दो बातें, एक तो ये कि जो बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है कि पलायन के मामले पर अगर वोट पड़ता है तो बीजेपी को फायदा होगा, और ये लोगों के जहन में है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, जो वो आपके शासनकाल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ठीक नहीं रही और एक खास वर्ग का वर्चस्व रहा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह जी, और पहले भी इसे उठाया जा चुका है हुकुम सिंह जी की तरफ। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगों की बात आती है, और उस वक्त एक बड़ा पलायन उस पूरे एरिया से हुआ था, और वो जो वोट बैंक माना जाता है वो आप लोगों का वोट बैंक उसमें सम्मिलित है। अगर इन दो पहलुओं को हम देखें तो कैसे राजनीतिक समीकरण जो है उसे साधने की कोशिश आप करेंगे? देखिए सुब्रा जी, एक बात आप समझिए कि हम जिस विचारधारा को मानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, उनका हमेशा एक स्टेटमेंट था कि कोई भी शासन सत्ता लोक राज जो है वो लोक लाश से चलता है, ये उनका स्टेटमेंट था और उसी विचारधारा पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी जैसे इन्होंने कहा, दो तीन सवाल का जवाब इनका मैं दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ़ किया, किसानों का कर्जा इन्होंने 45 रुपये, 30 रुपये, 20 पैसे, 100 रुपये तक इन्होंने कर्जा माफ़ किया है। मेरे ख्याल से इनके पास आंकड़ा है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह कि किसानों की जो फहरिस्त है माफ़ करने की, वो इस तरीके से भी कर्जा माफ़ किया। इन्होंने किसानों को हंसी का पात्र बना दिया, इन्होंने जिस तरीके से किसानों के साथ छल और खिलवाड़ किया है, ये किसान इनको माफ़ नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, जो मुजफ्फरनगर दंगे की बात सुभ्रा जी आपने उठाया और संजय जी ने बात पूछा है, मैं एक बात बताऊं कि जो वो वक्त था, उस वक्त आप ये समझिए कि इन्होंने एक फसल बोया, मुजफ्फरनगर दंगे के नाम पे इन्होंने एक फसल बोया, और वहां पर एक बड़ी साजिश रच करके इनके लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराने का प्रयास किया और दंगा कराया भी, और इसका फायदा भी इनको मिला। 2014 में जो चुनाव हुआ इसका फसल भी इन्होंने काटा, इन्होंने उस संप्रदाय जो वहां पे सांप्रदायिकता पैदा किया, जो वहां पे मारकाट मचाया इनके लोगों ने, उसका फायदा 2014 में किया, फायदा उठाया। दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ है। आज ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि हमारे रिजीम में कानून व्यवस्था खराब था, ये आज ये इस बात को आप भी जानती हैं, इस बात को संजय जी भी जानते हैं कि एक साल में जो नंगा नाच कानून व्यवस्था का हो रहा है, जिस तरीके से मजाक हो रहा है, आप पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के आड़ में जिस तरीके से वसूली हो रही है, जिस तरीके से इनकाउंटर के नाम पे, जिस तरीके से इनकाउंटर के नाम पर मैं आपको सुब्रा जी बताऊं, वसूली हो रही है, डराया जा रहा है, अपने विपक्षियों को धमकाया जा रहा है, जवाब ले लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये चिंता का विषय है, लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, जवाब ले लेते हैं, ये हमसे जवाब ले लेते हैं, का सवाल पूछ रहे हैं आप लोग दोनों जब सत्ता में होते हैं, आप तमाम पार्टियां, सिर्फ आप दो पार्टियां ही नहीं, तमाम पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तब दूसरी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, और ये एक चक्र है जो सियासत में हिंदुस्तान में चलता रहा है और आगे भी इसके चलने के आसार ही दिख रहे हैं। जवाब दीजिए संजय सिंह जी, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं अजीज खान साहब। जी जी बिल्कुल, जवाब देंगे अजीज खान साहब के। देखिए षड्यंत्र हम लोग नहीं रचते हैं, मुजफ्फरनगर कांड में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है किसने कांड किया था, किन लोगों ने किया था, किनकी बेटी को छेड़ा था, किनको मारा था, ये अब यहाँ टीवी डिबेट का विषय है। शुभ्रा जी हम आ रहे हैं उसी विषय पे, आप लोग डिबेट को भटकाइए मत, हम कराना की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हम वहीं पर रहे जी, आप सुनिए हमारी बात, आप लोग संवेदनशील लोग हैं, इस तरह के मामलों में मत ले जाइए, वो उन्होंने हम पे आरोप लगाया, हम जवाब देंगे इसका। शुभ्रा जी जैसे अब आपको बताएं, ये लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं देश के अंदर, शुभ्रा जी हमारी बात पूरी होने दीजिए, जिस तरह से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहे वो ऊना का कांड हो या अभी भीम आर्मी का, हम सीधा आरोप लगा रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, वहां जो भीम आर्मी के लड़के हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके हाथ में 10-10 हज़ार रुपए के मोबाइल कहां से आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसमें इमरान मसूद साहब की क्या भूमिका है, इसकी बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश के अंदर, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर।
ये देश को विघटन की ओर ले जा रहा है। अजीज भी इनके द्वारा रचित था। और अजीज खान साहब, एक सेकंड सर, ठीक है, अजीज खान साहब, ये डिबेट का जो मसला है वो और भी व्यापक है, क्योंकि हम सीधे इसे 2019 से जोड़ रहे हैं। पहले हमने देखा फूलपुर और गोरखपुर, वहां पर बीजेपी को जो झटका लगा उसका असर कैराना में दिखेगा, और ये साफ हो रहा है कि बीजेपी फिर से एक बार उसी फॉर्म में वापस लौट आई है जहां पर बूथ लेवल तक कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं। अगर वाकई ये कवायद की जा रही है, योगी जी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं जनसभा करने के लिए, तो विपक्ष के सामने चुनौती बढ़ जाती है। विपक्ष के सामने सिर्फ एक ये सीट जीतने की चुनौती नहीं है, कैराना अब एक व्यापक तौर पर सेमीफाइनल हो गया है, क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जो रिजल्ट यहां से जाएगा वो 2019 पर बहुत बड़ा असर डालेगा। ऐसे में आप लोग कैसे विपक्ष की एकजुटता को वहां यहां दिखाएंगे, और कैसे ये साबित करेंगे कि जो बूथ मैनेजमेंट, जो चुनावी मैनेजमेंट बीजेपी के पास है, उसी टक्कर का आपके पास भी है? अजीज खान साहब, तो आपने जो सवाल किया इसका जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा जी, लेकिन अभी जो संजय भाई ने जो सवाल उठाया उसका संक्षिप्त में एक दो जवाब दे दे। इन्होंने दो बातें उठाई कि वहां का जो दंगा और ऊना की कांड और भीम आर्मी के तमाम चीजों की बात इन्होंने उठाई। मैं एक बात बताऊं, अभी रिसेंट घटना है सुभरा जी, मेरे ख्याल से आपको तो सब जानकारी होगी चूंकि आप एक बड़ी पत्रकार है। मैं आपको बताऊं, अभी भीम आर्मी वहां के जो जिला अध्यक्ष थे उनके भाई की हत्या अभी रिसेंटली हुई है। किसने हत्या की? आपके रिज्यूम में हत्या हुई। आप ऊना कांड की बात कर रहे हैं, तमाम दलितों को आपने पूरे देश में कत्लेआम कर दिया। आपने मनुवादी विचारधारा को मान करके आप दलितों पे जो अत्याचार पूरे देश और आप प्रदेश में आप कर रहे हैं, ये आप इस बात को समझिए, दलित इसका बदला 2019 में लेगा। मेरा सवाल इस बात का, अब हम मुद्दे पे आते हैं। ये जो भटका रहे थे लोग दलितों के मुद्दे पे, हकीकत यह है कि दलितों के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। अभी जो बीजेपी का अभी जो बेसिकली चुनाव है सुभरा जी, मैं बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2019 का ये फैसला करेगा, और फैसला कर चुका है, क्योंकि दो चुनाव हमारे पक्ष में था। हम लोग मुत्तहिद होकर के, हम लोग यूनाइट होकर के हमने कर्नाटक में चुनाव लड़ा और इनका चेहरा बेनकाब हुआ। वहां पर ये सरकार गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनाना चाह रहे थे, वहां पर कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, और कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये वहां पर नाकाम हुए और विपक्ष एकजुट होकर के वो चैप्टर हुआ। जो है वो जो अध्याय है वो पूरे देश ने देखा सर, लेकिन मेरा सवाल ये है, लेकिन सर अजीज खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर कहां ये सक्रियता दिख रही है? मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ, नहीं एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ कि बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की, चुनावी मैनेजमेंट की चर्चा रही है। एक अगर हम कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी ने अपने जो समीकरण है उसे साधने में सफलता ही पाई है लगातार। यहाँ पर अखिलेश यादव फिर से एक बार जिस तरह से निष्क्रियता दिखा रहे हैं, जनसभाएं ना करना, मायावती की तरफ से कोई जनसभा नहीं, आरएलडी का को समर्थन प्राप्त है एसपी बीएसपी का, लेकिन मायावती एक सिर्फ अपील कर देती हैं कि हाँ ठीक है समर्थन है, लेकिन सक्रियता कहाँ दिख रही है सर? अगर यही रहा तो कैसे आप लोग 2019 की ओर बढ़ेंगे बीजेपी को चुनौती देते हुए? देखिए सुभरा जी, एक बात समझिए आप, रही बात मैनेजमेंट की, इनका बूथ मैनेजमेंट पूरे देश ने देख लिया, कर्नाटक में देखा, फूलपुर में देखा, उसका फायदा भी हुआ, हमारा हुआ रहा हूं, नहीं कुछ नहीं फायदा हुआ। मैं उसी मुद्दे पे सुभरा जी, उसी मुद्दे पे आऊंगा, इतिहास ये गवाह है कि 17 उपचुनाव हुए सुभरा जी, 17 उपचुनाव हुए जिसमें 14 ये हार चुके हैं, 17 में 14 हारे हैं, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, आप जानती हैं उपचुनाव की बात, उपचुनाव 17 हुए, 14 ये हार चुके हैं। रही बात जो हमारे चुनाव की बात है, जो हमारे गणित की बात है, जो समीकरण की बात है कैराना नूरपुर में, हकीकत ये कि हमारे लोग अंदर से लगे हुए हैं, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है और सांप्रदायिक ताकतों को जिस तरीके से वो उखाड़ कर फेंकना चाह रहा है, जिस तरीके से वहां पर हम लोग मुत्तहिद होकर के एकजुट होकर के, जैसे भी बात आपने कही कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने वहां पर भी कोई जनसभा नहीं किया, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ फूलपुर और गोरखपुर में भी जनसभाएं ज्यादा नहीं हुई थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह ने वहां पर जिस तरीके से बड़ी चुनौती दी, उससे ज्यादा, उससे बड़ी चुनौती, उससे बड़ा जीत, आप ये समझिए जो हम लोग विपक्ष एकजुट होकर के अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को भारी पड़ गया फूलपुर में और गोरखपुर में, वही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपको ना भारी पड़ जाए, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं, एक सेकंड, सियासत है ये सर, और आप ऐसे बोलकर निकल नहीं सकते हैं कि देखिए उपचुनाव लगातार बीजेपी हारी है इसलिए ये वाले भी हार जाएगी, या फूलपुर गोरखपुर में ये हुआ था तो यहां पर भी ये हो जाएगा। आपकी जो मंशा है वो कोशिश करने की होनी चाहिए, कोशिश कहां है जमीन? सुभरा जी आपका सलाह इसमें कोई दौरा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज पूरा देश और पूरा
प्रदेश देख रहा है हाँ। कि इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं, इनका मैनेजमेंट अगर इनके पास है तो सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा करना, लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि लोगों को तोड़ना। और अब प्रदेश की जनता कह रहा की जनता जान गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वहां चुनाव बिल्कुल करने के लिए वहां एक तरफा हो चुका है चुनाव, लोगों से अपील करेंगे फिर से एक बार, योगी जी आ रहे हैं जनसभा करने के लिए। संजय सिंह जी बहुत ही आश्वस्त लग रहे हैं अजीज खान साहब, और वो कह रहे हैं कि उपचुनाव आप लोग हारते रहे हैं, ये वाला भी हारेंगे और फूलपुर गोरखपुर हारे हैं, इसलिए इस बार बीजेपी के जीतने की संभावना नहीं है, साफ साफ ये कह रहे हैं। देखिए अब दिन में हसीन सपने देखने के लिए तो छूट है, सब देख सकते हैं, अजीत खान साहब भी देख सकते हैं, लेकिन यह है वास्तविकता कि इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये भले टीवी चैनल पर ना बोले, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, मायावती जी और इनका जो सेक्युलर गैंग है वो अगर नहीं जा रहा है इनका टॉप लीडरशिप, तो वो समझ चुके हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। जहां तक देखिए एक्सपोज करने की बात है, ये हमें बार बार कर्नाटक की ओर ले जाते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो सेक्युलर गैंग है इनका, इतना झूठा सेक्युलर गैंग है, इन्होंने एक आरोप अभी लगाया था और उसी कांग्रेस के विधायक ने इनको नंगा खड़ा कर दिया और कह दिया कि साहब वो जो पैसे, नहीं देखिए आरोप लगाया है तो इनको सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को दूसरों से माफी मांगनी चाहिए, ऐसे मैं डिबेट में अलाउ नहीं करूंगी। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अजीज खान साहब? संजय सिंह जी, आप लोगों को हम स्टूडियो में बुलाते हैं इसलिए नहीं कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादा में रहकर बात करें तब डिबेट आगे बढ़े। नहीं, हमने कोई संसदीय बात नहीं की, तब डिबेट आगे बढ़ेगी, मैं बता रही हूं। बिल्कुल हमने कोई ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल की, संसदीय भाषा मर्यादा में रहकर बात कीजिए। संजय सिंह जी, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, आप बताइए ना, बात रखिए सर, बात रखिए अपनी, बात रखिए अपनी। और जहाँ तक मर्यादित हो अजीज खान साहब, देखिए वो पूरा ध्यान रखते हैं, कोई हमने ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया आपकी उस पे फोरम पे। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जब आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। और मैं इस शो में ये अलाउ नहीं करूंगी कि आप आप खुद ये बात समझिए और आगे अपनी बात रखिए सर। आप इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं और आप अपनी बात आके रखें। संजय सिंह जी, जी जी, जहां तक ये बार बार आरोप लगाते हैं कि इनका सांप्रदायिक चेहरा बेनकाब हो गया है, हम अजीज खान साहब से एक बात पूछना चाहते हैं, ये हम पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, इनके दो लोकसभा दो चुनाव हो रहे हैं, क्या इनके पास कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं था? दोनों एक इन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोग खड़े कर रखे हैं, क्या हिंदू नहीं है? इनकी सांप्रदायिकता सेकुलरिज्म खाली एक मजहब के लिए होती है? अगर हम मोदी जी 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी सांप्रदायिकता दिख रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है, एक शब्द नहीं बोलते ये लोग, तो इनकी सांप्रदायिकता का जो चोला है वो खुल चुका है, बेनकाब हो चुके हैं ये लोग, अब इनको ये चलेगा नहीं देश के अंदर। पहले तो आप इस बात को समझें कि आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया, 403 विधानसभाओं पे कितने मुसलमानों को टिकट दिया, पहली बात। आप करते हैं सबका साथ सबका विकास, पहली बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप बड़ा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप ले ही आए इस पूरे प्रकरण में हिंदू मुसलमान ले आए। मैं आप सब, आप कहते हैं 125 करोड़ जनता के हम प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान को वहां पे टिकट दिया और कितने मुसलमान को यहां टिकट दिया, एक बात आप, पहला सवाल। दूसरी बात, आप इस बात को क्यों कह रहे हैं कि दोनों मुसलमान चेहरा को अलग होता है? हम राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं वहां पे, हम वहां राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसका वर्चस्व क्या है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, हिंदू नहीं हो सकता क्या? हमारी राजनीतिक, अरे जाट हो सकता है, ये मैं बताऊं, एक बार आप बात को समझिए। और जिस तरीके से आपने पूरा अमला, पूरे प्रदेश का अमला, मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्री से लेकर राजमंत्री तक आपने ले जाके कैराना और नूरपुर में उतार दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जिस तरीके से वहां पर ये हिंदू मुसलमान का कार्ड आप खेलने का प्रयास कर रहे हैं, आज आप चैनल में भी ये बात बोलने लगे हैं, ये जान लीजिएगा, 2019 के पहले कैराना उपचुनाव ये साबित कर रहा है कि किस दिशा हमारे देश की राजनीति आगे भी जा रही है और 2019 का चुनाव किस तरह से कौन सी सियासत लेकर आएगा। क्योंकि तुमने हिंदू को टिकट नहीं दिया, तुमने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ये जाति वो जाति, ये बात यहाँ पर भी उठ रही है। और जो गन्ना किसान हैं, जो रोजगार के लिए मांग करते हुए लोग हैं, उनकी बात कहीं पीछे छूट रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन ध्यान लगातार हमारा बना रहेगा और दर्शकों को अपडेट करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं और वाकई क्या आपके सरोकार के मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ भी और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में भी। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।